आज हमारा जो इस वार्ड से काउंसलर बने हैं आदरणीय धीमान जी, इन्होंने सहभोज का आयोजन किया है और साथ ही साथ अपने जो कार्यकर्ता जिन्होंने कि इनके लिए दिन रात मेहनत की, उन सब का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ हम सब लोग एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले तो धीमान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ इस वार्ड की समस्त जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ धीमान जी को अपना आशीर्वाद दिया। और साथ ही साथ यहाँ इस वार्ड की हमारे लोगों ने समस्या रखी कि जो लिंक रोड है, एम्बुलेंस रोड, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसमें कुछ धन की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस वार्ड में पार्किंग के निर्माण के लिए भी धीमान जी ने डिमांड रखी है, तो उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है ताकि जो हमारी एम्बुलेंस रोड है उसको दलोग तक उसका निर्माण हो सके। और एक जो पार्किंग है जो कि रामनगर में स्कूल ग्राउंड में, उसके निर्माण के लिए भी मैंने 2 लाख रुपए की घोषणा की है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का विकास इस क्षेत्र में हुआ है या शिमला शहर में हुआ है, आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी यहाँ से पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत की और उसका नतीजा है कि आज हर वार्ड में सड़कें बनी हैं, शौचालयों का निर्माण हुआ है, पार्किंग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने स्मार्ट सिटी का तोहफा हमको दिया और ब्रिटिश शासन के बाद ये पहली बार शिमला में हुआ जब टनल का निर्माण किया गया, जब फ्लाईओवर्स बने हैं, ओवरहेड ब्रिजेज बने हैं, पार्किंग्स बनी हैं, सड़कों को चौड़ा किया गया है, पार्क्स बने हैं और बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम जो कि या तो ब्रिटिशों के समय में कुछ हुए या उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन जो इससे पहले रही उसके कार्यकाल में हुए। तो निश्चित रूप से मैं अपने यहाँ से जो काउंसलर उनको बधाई देते हुए अपने सभी नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने निरंतर मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा। ये अलग बात है कि जैसे नतीजों की अपेक्षा थी वैसे नतीजे भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाए, कारण उसका साफ है कि कांग्रेस की सरकार को बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और जिस प्रकार से प्रेशर टैक्टिक कांग्रेस ने अपनाई, निश्चित रूप से उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। फिर भी मैं 24 वार्डों के जो हमारे प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा, उन सबको शुभकामनाएं देते हुए हमारे